अमेरिका ब्रिटेन को लगी सबसे बड़ी चोट। जहाज पर हमला कर समुद्र में डुबोया। हुतियों के हमले से मंडराया बड़ा संकट। इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से ही लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हुती आतंकियों के हमले जारी हैं। हुती हमले में पहली बार एक मालवाहक जहाज पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर लाल सागर में डूब गया। बता दें कि जहाज रूबीमार पर पिछले हफ्ते हमला बोला गया था। हुती के हमलों से एशिया और पश्चिम एशिया से यूरोप जाने वाली आपूर्ति प्रभावित हुई है। हुती विद्रोहियों के हमले की आशंका को देखते हुए पहले ही कई पोत ने मार्ग परिवर्तन किया है। सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक जहाज शुक्रवार की रात डूबा। अमेरिकी सेना की मध्य कमान ने पहले बताया था कि मालवाहक जहाज पर जब हमला हुआ उस समय वो 41,000 टन से ज्यादा उर्वरक लेकर जा रहा था। अमेरिकी सेना ने कहा कि हमले से मालवाहक जहाज को काफी नुकसान पहुंचा है। यमन सरकार ने कहा कि इस जहाज के डूबने से पर्यावरण संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं। ब्रिटिश मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से शनिवार को कहा गया कि उसे यमन के मोखा बंदरगाह से 15 समुद्री मील पश्चिम में एक जहाज पर हमले की सूचना मिली थी। चालक दल जहाज को लंगर डालने का प्रयास कर रहे थे। सैन्य अधिकारियों की ओर से उन्हें निकाला गया। इसके साथ ही इस रूट पर खतरा और बढ़ गया है। पहले ही कई जहाज अपने मार्ग से हट चुके हैं। मीडिया हाउस इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक रूबीमार एक ब्रिटिश जहाज है। इस पर बेलीज का फ्लैग लगा हुआ है। हुतियों ने जब इस पर हमला किया तब ये यमन के मोखा पोर्ट से करीब 27.78 किलोमीटर की दूरी पर था। पिछले 12 दिनों से ये उत्तर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन लाल सागर में तूफान और खराब मौसम की वजह से जहाज डूब गया। जहाज डूबने की खबरों के बीच यमन के प्रधानमंत्री अहमद अवद बिन मुबारक ने कहा, हमें हर दिन हुती विद्रोहियों के एक्शन की भरपाई करनी पड़ती है। वो देश को तबाही और जंग की तरफ धकेल रहे हैं। दूसरी तरफ हुतियों ने 18 फरवरी को हमले के बाद ही जहाज के डूबने का दावा किया था। बेलीज के फ्लैग वाले रूबीमार पोत को 18 फरवरी को बाब अल मंडेब जलड मरुमध्य में हुती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया था। यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार और एक क्षेत्रीय सैन्य अधिकारी ने पोत के डूबने की पुष्टि की। ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने भी शनिवार दोपहर को रूबीमार के डूबने की पुष्टि कर दी है। बता दें कि इजराइल हमास जंग के बीच फिलिस्तीनियों के समर्थन में हुती विद्रोही लगातार लाल सागर में जहाजों पर हमले कर रहे हैं। इसकी वजह से कई जहाज अपना रास्ता भी बदल रहे हैं। हुतियों के हमलों के जवाब में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर अब 4 बार यमन में हुतियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी मीडिया ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक लाल सागर में लगातार हो रहे हुतियों के हमलों के कारण अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड पर गंभीर असर पड़ रहा है। भारत से यूरोप के लिए डीजल की सप्लाई पिछले 2 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इसमें करीब 90% की गिरावट दर्ज की गई है। एशिया से यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन जाने वाले कार्गो के शिपिंग चार्ज बढ़ गए हैं।